तो पुणे के एमक्यू सीरीज में एक पेशेंट और हैं जो कि हमारे पास हैदराबाद से आए थे। इनका नाम है रोहित अक्षय जी। तो आप काफी समय से कांटेक्ट में हो हमारे, है ना? जी सर। काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। तो रोहित जी बताइए, सबसे पहले आपको कब हमारे बारे में पता चला और कब एवीएन के बारे में पता चला और कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया? सर, सबकी तरह तो वैसे मैं डॉक्टर के पास गया था जब पेन होना शुरू हुआ था मुझे। तो पहले जब एक्सरे लिया था, ऑलमोस्ट 2019 में लिया था एक्सरे, तो उस टाइम में डॉक्टर ने जस्ट देखा था और बोल दिया था कि कुछ नहीं है, और एक हाइफेनाक टैबलेट दिया और बोला कि वही यूज़ करो जब जब पेन आता है। तो 2020 में ज़्यादा पेन नहीं था, पर उस टाइम पता नहीं चला कि क्या है। उस टाइम में मेरे को एवीएन का पता नहीं था। 2020 दिसंबर में मैंने एक दो वीडियोस देखे थे सर, तो आपका वीडियो सबसे पहले फ्लैश होने लग गया था, तो इमीडिएटली आपको सब्सक्राइब किया और फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था। और जब जब से मैंने आपका रॉ डाइट वगैरह जो भी देखा था, मैंने तो हफ्ते में एक बार शुरू किया था करना, थोड़ा थोड़ा बहुत नतीजा दिखना शुरू हो गया था। और ऊपर से जो भी आपके वीडियोस थे एक्सरसाइजेस के, वहीं तब से मैंने करना शुरू कर दिया था। तो मैंने ऑब्जर्व किया था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जो भी है, मतलब मेरे को मालूम, तभी भी मेरे को मालूम नहीं था कि एवीएन है। जब मैं 2020 के एंड में डॉक्टर के पास गया था, एक्चुअली जो ऑर्थोपेडिशियन के पास, तब जाके मेरे को डिटेक्ट हुआ कि मेरा एवीएन है, थर्ड स्टेज लेफ्ट साइड में और फोर्थ स्टेज राइट साइड में। सर, उसको फॉलो करने से मसल्स काफी ढीले हुए सर, मतलब मोशन काफी था, जो लुब्रिकेशन बोलते हैं ना, मेरे को वो लगा कि काफी हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं करते गया एक्सरसाइज। एक टाइम था जब मैं हफ्ते में अपना जो फेवरेट साइकिलिंग है मेरा स्पोर्ट, वो छोड़ के सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहा था जो आपने दिए थे, तो उससे जाके मेरे को काफी रिजल्ट मिला था और काफी रिलीफ मिला था पेन से। जी सर, अभी ये पहली सेटिंग हो गया। जी सर, तो आप कैसा लग रहा है? सर, काफी अच्छा लग रहा है सर, बहुत डिफरेंस है चलने में। पेन काफी हद तक कम हो चुका है, 70-80% तक कम हो चुका है। हाँ, और अभी जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरे लिए और बेनिफिशियल होगा जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने अंदर की नमस्कार अंडी, सुना पे रोहित अक्षय, నేను థర్డ్ స్టేజ్ ఏవియన్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏవియన్ రైట్ సైడ్తో బాధపడుతున్నాను. సో ఇదే సందర్భంలో జస్ట్ యూట్యూబ్ సర్ఫ్ చేస్తుండగా విజయప్రకాష్ సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దొరికింది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆయన చెప్పే రొటీన్ ఫాలో అవడం స్టార్ట్ అయ్యాను. ఎంతో రిలీఫ్ వచ్చింది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పెయిన్ చాలా చాలా తగ్గింది. అండ్ నాకేంటంటే నాలో నా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నేను చేయగలను అనేది, ఎందుకంటే నేను యావిడ్, నేను యాక్చువల్లీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, సైకిల్ బాగా చేసేవాడిని, బట్ సార్ చెప్పిన ఎక్సర్సైజెస్ మీద నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఎందుకంటే నాకు చాలా రిలీఫ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో మీరు డెఫినెట్లీ ఎవరన్నా బాధపడుతుంటే ఆయన అప్రోచ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఆయన చాలా హెల్ప్ చేసే రకం. ఆయన మోర్ ఆఫ్ మీకు ఒక మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వగలిగే పర్సన్ విజయప్రకాష్ సార్. సో నేను డెఫినెట్లీ నాకు ఈ థెరపీ తీసుకున్న తర్వాత 5 డేస్ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. సో ఇఫ్ ఎనీబడీ ఈజ్ సఫరింగ్, ఎవరికైనా బాధ ఉంది అంటే సార్ని డెఫినెట్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके इस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए, और उम्मीद करते हैं काफ़ी लोग के लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू.